चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। तो धार्मिक स्थल खोलने की भी नई गाइडलाइन जारी हो गई है। पूजा स्थलों में 50 लोग ही पूजा अर्चना कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में ईदगाह नहीं खोलेंगे, जहां मस्जिदों में भी 50 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। तो गृह विभाग ने ये तमाम आदेश जारी कर दिए हैं। ईदगाह भी अभी बंद रहेंगे, 50 लोग ही धार्मिक स्थलों में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दौरान संबंधित प्रबंधन कमेटी को तमाम गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। तो गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं और इस व्यवस्था में प्रदेश भर की कोई ईदगाह को शामिल नहीं किया गया है। ईदगाह अभी भी बंद रहेंगे। चलिए तो इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेते हैं किस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है धार्मिक स्थलों के लिए। जान लेते हैं, हमारे साथ अंकुर जी लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, धार्मिक स्थलों को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि ईदगाह अभी नहीं खोलेंगे, लेकिन धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना करने के लिए 50 लोगों की अनुमति दी गई है। और क्या कुछ गाइडलाइन शामिल किए गए हैं, क्या कुछ नियम बनाए गए हैं? बिल्कुल, आगामी त्योहारों को देखते हुए, खासतौर पर ईद का त्योहार है, बकरी ईद का त्योहार है, इन सब चीजों को देखते हुए, सावन का महीना शुरू होने वाला, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए गृह विभाग के द्वारा धार्मिक स्थलों के लिए एक नई गाइडलाइन शुरू की गई है। फिलहाल अभी फैसला लिया गया है कि ईदगाह में काफी भीड़ होती है, काफी लोग इकट्ठे होते हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए, तो ईदगाह को अभी नहीं खोला जाएगा। हाँ, मस्जिदों में है, मंदिरों में 50 लोग एक बार में दर्शक जा सकेगी, 50 लोगों की क्षमता रह सकेगी, लेकिन अभी ईदगाह नहीं खोले जाएंगे। मंदिर मस्जिदों में भी जो 50 लोगों की क्षमता का सरकार ने फैसला लिया है, तो वो लोग ही वहां पर प्रवेश कर सकेंगे जो पूरी तरह से मास्क लगाए हो। मंदिरों की जिस तरह से बात हुई थी कि मंदिरों में सावन सोमवार पे वही लोग रुद्राभिषेक कर सकेंगे, मंदिरों में प्रवेश कर सकेंगे, जो वैक्सीन इनको लगी हुई है उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। उनको बाकायदा अपना मैसेज या सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तब वो अभिषेक पूजन अर्चन करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा आगामी त्योहारों को देखते हुए, आगामी सब चीजों को देखते हुए क्षमता तो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, लेकिन पूर्व कोरोना को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उसके बाद 50 लोगों की जो धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर हो चाहे मध्य, वहाँ पर अनुमति दी गई है। जी जी बिल्कुल अंकुर जी, तमाम गाइडलाइन जारी कर दी गई है धार्मिक स्थलों के लिए, लेकिन जैसे कि त्योहार नजदीक है, अगले महीने में रक्षाबंधन भी है और ईद भी करीब है, तो ऐसे में बाजारों में खासी भीड़ देखी जाती है। चूंकि ये कोरोना काल अभी भी है, तो इस वक्त कितनी जागरूकता जनता में देखी जा रही है कोरोना को लेकर, की भीड़ ना बढ़ाई जाए ताकि तीसरी लहर को न्योता ना दिया जाए? और साथ ही बताएं कि प्रशासन के क्या प्रयास हैं जनता को जागरूक करने के लिए, साथ ही प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका प्रश्न है कि जनता को जागरूक करने के लिए क्या है, लेकिन अभी तक ये देखने में नहीं आ रहा है। बाजारों में भीड़ काफी उमड़ रही है, चाहे ईद के त्योहार को लेकर हो चाहे अन्य त्योहारों को लेकर, वहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। अधिकांश स्थानों पर ये देखा जा रहा है कि बहुत से एक जगह काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, दुकानों पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर मास्क लगाना कई लोग नहीं लगाए रहते हैं, सैनिटाइजर भी कई दुकानों पर नहीं मिलता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं मिलता है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वहां पर ऐसे बाजारों में सख्ती करे, क्योंकि कहीं भी ऐसी सख्ती अभी नहीं दिख रही है। अब राजधानी भोपाल में के बाजारों में ये सख्ती नहीं देखती, तो अन्य जिलों में, अन्य शहरों की क्या स्थिति होगी वो आप जान सकते हैं। निश्चित तौर पर अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको देखकर यही लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर को ये न्योता दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे में शासन प्रशासन को भी सख्ती करनी होगी आगामी त्योहारों को देखते हुए, और उसके अलावा लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि कम से कम जो दूसरी लहर में जितना नुकसान हुआ है, हजारों लाखों लोगों की जान इसमें गए, तो लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्य रखें, मतलब मास्क तो लगा ही जाना चाहिए बिल्कुल, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, जहां भीड़ कम हो ऐसे बाजारों में जाएं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और शासन प्रशासन को भी इसमें सख्ती दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल अंकुर जी, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो तमाम गाइडलाइन जारी कर दी गई है धार्मिक स्थलों को लेकर भी, साथ ही बाजारों में भी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन अभी वहाँ प्रशासन के कोई भी सख्ती या फिर कोई भी प्रयास जनता को जागरूक करने के लिए नहीं देखे जा रहा है। आगे देखना होगा कि किस प्रकार से जो भीड़ बढ़ रही है उसे रोका जाएगा और जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका किस तरह से पालन किया जाएगा।